अतीत की यात्रा की झांकी। अरे एक बात बताऊं, जो तुम्हारी यात्रा वही मेरी यात्रा है और वही प्रभु की यात्रा है। सबकी यात्रा एक है क्योंकि यात्रा का क्षेत्र भी एक है। वही ट्रेवल कर रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे, ये चलता आया है और एक बार नहीं अनंतों बार। थोड़ी सी अपनी उस अतीत की यात्रा की झांकी देख ले। मैं सोचता हूं लोग भावना को आज प्रवचन की भांति न कहकर अनुभूति के रूप में भाया जाए। आप सब आंखें बंद करें और उस यात्रा के साक्षी बने जो हमारी आपकी सबकी अतीत की यात्रा है। बस मैं एक शब्द चित्र खींचूंगा, आप उसका अनुभव करना की कोशिश कीजिएगा, उस झलक को देखने का प्रयास कीजिएगा। आप पाएंगे कि वाकई में मेरे जीवन की कहानी क्या है और वो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। आंखें बंद करें, हम चलते हैं अपनी उस यात्रा की। हमारी यात्रा कहाँ से है? मैं अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। मेरी यात्रा अनंत है और मेरी अब तक की इस यात्रा का सार केवल जन्म और मरण है। चार गतियों और 84 लाख योनि वाले इस अनंत संसार में मैंने केवल जन्म और मरण धारण किया। मेरी यात्रा की शुरुआत एक इंद्रिय की पर्याय से हुई, जहाँ मेरा अस्तित्व भी प्रतिभाषित नहीं होता था। कभी मिट्टी, कभी पानी, कभी अग्नि और कभी वायु को अपना शरीर बनाकर जिया, तो कभी पेड़ पौधे के रूप में अपना जीवन बिताया। अनंत जीवन मेरा इस प्रकार से एक इंद्रिय के रूप में बीता और इसी अवस्था में कभी मैंने निगोद की अवस्था धारण की, जहाँ मेरा अस्तित्व न के बराबर था। आज सामान्य स्थिति में जितनी देर में मैं एक बार श्वास लेता हूँ, उतनी देर में मेरा 18 बार जन्म और मरण हुआ। अनंत काल तक मैंने एकेंद्री की पर्याय में दुख भोगा, कदाचित वहाँ से बाहर निकला तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री की पर्याय में कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जिया। कभी कृमि, केचवा, गिजाई बन करके मरा तो कभी चीटी, खटमल, जुए आदि की पर्यायों को धारण किया। 4 इंद्रिय की पर्याय में मक्खी, तितली, भौरा, मच्छर आदि के रूप में मैंने अनंत बार जन्म मरण धारण किया। कभी 5 इंद्रिय भी बना तो मन रहित होने के कारण अज्ञानी ही बना रहा। कभी वन वाला पशु प्राणी भी बना तो फिर छेदन भेदन भूख प्यास की वेदना भोगनी पड़ी। अनंत बार गधा, घोड़ा और बैल बनकर के जिया। अनेक प्रकार की यातनाएं भोगी। कई कई बार कुत्ता और बिल्ली के रूप में भी जिया। अनेक बार सूकर की अवस्था भी मैंने धारण की।
कभी वन्य प्राणी भी बना तो अपने से बलवान प्राणियों का शिकार बना, कदाचित उनसे बच भी गया तो क्रूर मनुष्यों का शिकार बना, अनेक बार प्राकृतिक आपदाओं का भी भागी बनना पड़ा। कभी अचानक आई बाढ़ में बह गया, कभी तेज दावा नल में झुलस कर मरा, तो कभी सूखे के चपेट में आकर भोजन और पानी की अभाव में भूख और प्यास की वेदना को सहता हुआ तड़प तड़प कर मरा, कभी भूकंप जैसी आपदा का शिकार होकर जमींदोज हो गया। अनंत बार ऐसा करके मैं जन्मा और मरा। मेरे दुखों की कहानी यहां ही खत्म नहीं हुई, मुझे नरक भी जाना पड़ा। मेरी नरक यात्रा की कहानी सुनोगे तो कांप उठोगे, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अनंतों बार नरक गया, मुझे नरक की स्मृति आ रही है। जैसे ही मैं नरक में जन्मा, मेरा शरीर काफी ऊंचाई पर उछला और नीचे पड़े अनेक प्रकार के तीक्ष्ण अस्त्रों पर जा गिरा। मेरा संपूर्ण शरीर पारे की तरह छिन्न भिन्न होकर बिखर गया। ये तो नारी की शरीर की विशेषता थी कि वह शरीर पुनः एकत्रित होकर फिर यथावत हो गया। मैं उठकर खड़ा भी नहीं हो पाया कि वहां पहले से तैयार नारकियों ने मुझ पर घातक प्रहार प्रारंभ कर दिया। मैं वहां से भागा और जान बचाने के लिए वहां लगे सेमर के वृक्ष पर चढ़ गया। पर क्या बताऊं, उस वृक्ष के पत्ते क्या थे, तलवार से भी तीक्ष्ण। मेरा शरीर विदीर्ण हो गया, मुझे वहां से भी भागना पड़ा। नारकियों ने मुझे पकड़ा और मुझ पर घातक प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। कभी वे मुझे तपते हुए कढ़ाई में पूरी पकौड़े की तरह तल डालते, तो कभी मेरी खाल ही उतार देते, कभी मेरे पूर्व पापों की याद दिला दिला कर मुझे कहते कि तूने खूब मदिरा पान किया, ले और कर कहकर मेरे मुख में तपाया हुआ तांबे का घोल डाल देते। कभी मुझसे कहते तूने खूब पर स्त्रियों में बुरी दृष्टि से दृष्टि रखी, उन्हें बुरी दृष्टि से देखा, ले और देख कहकर मेरी आंखों में तीक्ष्ण भाला चुभा देते। कभी कहते कि तूने धर्मात्माओं की खूब निंदा की, ले और कर कहकर मेरी जीभ काट डालते। कभी कहते कि तूने
खूब मांसाहार किया, ले और कर कहकर मेरी आंतें निकाल देते, कभी मेरे कानों में कील ठोक देते और कभी ये कहकर कि तूने परिस्त्री रमन खूब किया, खूब व्यभिचार किया, ले और कर कहकर लोहे की तप्त पुतलियों से मुझे बांध देते। मैं कराह उठता पर वहां मेरी सुनने वाला भी कौन था, मेरी पीड़ा मुझे ही भोगना पड़ता। मैं अनंतों बार भोगता रहा, वहां की मिट्टी भी बड़ी दुखदाई थी, उस मिट्टी का स्पर्श करते हुए ऐसा प्रतीत होता मानो एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। वहां तीव्र सर्दी और गर्मी की वेदना भी मैंने भोगी, वहां ऐसी जोर की भूख लगती कि तीन लोगों का अनाज खा लूं तो भी न मिटे, पर वहां अनाज का तो एक दाना भी नहीं था। सारे समुद्र का जल पी लूं तो भी प्यास न बुझे, ऐसे प्यास की वेदना भी मैंने झेली। कभी कभी अपने प्यास से पीड़ित होकर मैं वहां बहने वाली बैतरणी का जल पी लेता, पर उसका पानी क्या था, तेजाब से भी खराब, सारा शरीर छार छार हो जाता। मैं देख रहा हूं मेरी इस यात्रा की कथा को सुनकर तुम कांप रहे हो, पर ये यात्रा केवल मेरी नहीं, मेरी तरह पाप और पाखंड में जीने वाले सभी लोगों की है, और ऐसी यात्रा एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनंतों बार की है, और वह भी एक दो दिन के लिए नहीं, सागरों पर्यंत। लेकिन इतने मात्र से मेरे दुखों का अंत नहीं हुआ, पुण्य योग से कभी मैं मनुष्य भी बना तो मनुष्य पर्याय में भी मुझे दुख वेदना और त्रास ही मिली। अनेक बार ऐसा हुआ कि मेरी माता ने मुझे पेट से ही परलोक पहुंचा दिया, कई बार ऐसा हुआ कि अपने माँ बाप के अवांछित संतान होने के कारण जन्म देते ही मेरी माँ ने मुझे किसी झाड़ी में फेंक दिया और वहां मैं कव्वे कुत्ते और गिद्धों का ग्रास बना। कभी किसी दयावान की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे अनाथाश्रम में पहुंचा दिया, वहां भी मैं अनाथों की तरह ही जिया। कई कई बार ऐसा भी संयोग बना कि मेरे जन्म लेते ही मेरे माता पिता स्वर्ग सिधार गए, मैं जन्म से ही अनाथ हो गया, घोर अभाव और दरिद्रता में अपना जीवन दुखों के साथ बिताया। कभी धन संपन्न होकर सेठ भी बना तो शारीरिक स्वास्थ्य की अनुकूलता न होने से जीवन पर्यंत दुखी रहा, परिवार में मेल मिलाप न होने का भी दुख मुझे मिला, मनुष्य पर्याय में भी मैंने घोर दुखों को भेगा।
पुण्य के योग से कभी देव पर्याय को प्राप्त किया तो वहां भी मैंने दुख ही भोगे। स्वर्ग में शारीरिक अनुकूलताएं तो मेरे साथ पूरी थी, पर अपने से बड़े वैभव वाले देवों को देखकर मेरा मन ईर्ष्या की आग से विदग्ध हो उठा। मैं उन्हें देखकर जला कुढ़ा करता था। अपने से बड़े देवों की आज्ञा मानना भी मेरी विवशता थी। न चाहते हुए भी मुझे उनकी आज्ञा के अनुकरण के लिए बाध्य होना पड़ता था। सच बोलूं तो नरक में तो केवल शारीरिक कष्ट था, पर यहां मिलने वाला मानसिक कष्ट उस शारीरिक कष्ट से भी असह्य था। उस नरक संक्लेशपूर्ण जीवन के साथ मैंने कई कई बार स्वर्ग का वैभव पाकर भी अपना पतन किया, और कभी पशु बना तो कभी पेड़ पौधे के रूप में जीवन जिया। ये मेरे संसार यात्रा का चक्र है, ऐसा अनादि से होता रहा। और इन सब का मूल कारण मेरा अपना अज्ञान, मेरे भीतर का मिथ्यात्व रहा। सद्गुरु की कृपा से मेरा वो भ्रम टूटा, सम्यक्त का प्रकाश मिला, मैंने सही यात्रा पर अपना ली, अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा दी, और अब मैं एकदम सुखी होने के मार्ग में लगा हूँ। अब दोबारा उस यात्रा में मुझे कभी नहीं जाना पड़ेगा, कभी नहीं जाना पड़ेगा, कभी नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रकाश मेरे अंदर प्रकट हुआ, हे प्रभु ये प्रकाश हमेशा बना रहे, सभी के हृदय में ये प्रकाश बना रहे, सभी के अंदर का अज्ञान अंधकार दूर हो, सभी के जीवन की भ्रांति का निवारण हो, और सभी सत पथ के पथ पर चलते हुए दुष्कृतियों से बचे सत्कृतियों को अपनाएं, ताकि मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे प्राप्त हो सके, जीवन के सार को मैं प्राप्त कर सकूं। बस यही मेरी भावना है। मैंने अपने अतीत की यात्रा से बहुत बड़ी प्रेरणा ली, यह भटकन भरी यात्रा थी, अब मुझे भटकना नहीं है, सन्मार्ग का यात्री बनना है, मोक्ष पथ का पथिक बनना है, सच्चा मोक्ष मार्गी बनकर अपने जीवन को जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंचाना है। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा गंतव्य है, और मुझे वहीं जाना है, वहीं जाना है, वहीं जाना है।